हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अभिनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा आठ गणित अभ्यास अठारह सी के जो बचे हुए प्रश्न थे पाँच से आठ तक उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो बिना देर किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पाँच और वो हमारा दिया गया है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है यदि दोनों के परिमाप चवालीस सेमी भी हों तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दोनों के परिमाप हमें दिए गए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है किसका परिमाप सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों में वर्ग का है ना तो दिया है वर्ग का परिमाप बराबर तो वर्ग का परिमाप कितना है चवालीस सेमी ठीक है अब वर्ग का परिमाप होता क्या बेसिकली परिमाप हमारा होता है सभी भुजाओं का योग जैसे ये है वर्ग ठीक है तो ए बी सी डी इसको 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 चारों को जोड़ने से हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा तो ये अगर भुजा ए है तो ए धन ए धन ए धन ए तो ये हमारा ए धन ए धन ए धन ए बराबर चवालिस फोर ए एजल टू ठीक है तो ए बराबर आ जाएगा चवालिस बटे चार और ये भाग दे देंगे ग्यारह सेंटीमीटर तो यहाँ से हमारी वर्ग की भुजा निकल के आ गई कितनी ग्यारह सेंटीमीटर अब क्योंकि हमें भुजा प्राप्त हो गई है इसलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो हम लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल वैसे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है यानी ए गुणे ए तो ये ग्यारह गुणे ग्यारह और ग्यारह गुणे ग्यारह होता है एक सौ इक्कीस वर्ग सेमी ये हमारा निकल के आ गया वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है अब हम निकालेंगे वृत्त के लिए तो अब फिर से हमें पुनः दिया है क्या दिया है वृत्त का परिमाप और वृत्त का परिमाप कितना दिया गया ये भी दिया गया है चवाले सेमी अब यहां पे देखो ये... जितने भी क्षेत्रफल के प्रश्न होते हैं उनको हम लोग चित्र के माध्यम से जरूर देखें ये होता है व्रत अब वही का वृत्त व्रत में व्रत का परिमाप क्या होगा ये पूरी जो भुजा है इसकी लंबाई यानी इसकी नाप और इसको हम लोग व्रत की भाषा में क्या बोलते हैं परिधि तो यहाँ पे ये क्या होगी हमारी परिमाप ना होगी इसको हम लोग परिधि बोलते हैं वृत्त में तो ये ये हो जाएगी हमारी वृत्त की परिधि और ये कितनी हो जाएगी चवालीस सेमी अब परिधि का सूत्र क्या होता है टू पाई आर बराबर चवालीस सेमी यहाँ से आर बराबर हमारा निकल के आएगा चवालीस बटे दो पाई तो ये इससे भाग दे देंगे ये आ जाएगा बाईस बाईस बटे पाई यानी बाईस बटे सात अब ये सात चला जाएगा ऊपर ठीक है तो ये आएगा बाईस गुणे सात बटे बाईस बाईस से बाईस कट गया कितना आ गया सात सेमी ये हमारी क्या निकल के आई वृत्त की ठीक है अब जब वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई है, अब हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से पाई का मान बाईस बटे सात और आर हमारा निकल के आया था सात की घात दो ठीक है तो यहां से क्या होगा बाईस बटे सात गुड़े सात गुड़े सात सात की घात दो यानी सात दो बार एक सात से एक सात कैंसिल हो गया बाईस का गुणा कर देंगे सात में सात दूनी चौदह हाँ से लगा एक सात दूनी चौदह एक पंद्रह एक सौ चौवन वर्ग सेमी अब देखो हमें चवाले सेमी परिमाप वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल मिल गया और चवालीस सेमी परिमाप वाले व्रत का भी क्षेत्रफल मिल गया अब यहाँ से देखो हमें स्पष्ट हो रहा है कि, कि किसका क्षेत्रफल अधिक है एक सौ चौवन अधिक है कि एक सौ इक्कीस अधिक है जाहिर सी बात है एक सौ चौवन अधिक है तो यहाँ हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है है ना ठीक है और कितना अधिक है क्षेत्रफल वो हम आगे लिख देंगे अधिक क्षेत्रफल बराबर एक सौ चौवन में से हम एक सौ इक्कीस जो वर्ग का आया था उसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा तैतीस वर्ग सेमी इतना क्षेत्रफल वृत्त का अधिक आया जबकि परिमाप हमारा दोनों का सेम था तो ये था प्रश्न नंबर पांच आयोग के आप लोग इसको समझ गए होंगे और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर छह पर तो यहां पे हमारा छठवा प्रश्न दिया गया है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का सौ गुना है उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए यहाँ पे देखो प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्रत हमारा ये है और एक व्रत हमारा ये है ये हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर वन है और इसकी त्रिज्या आर टू है इस व्रत का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल का ये सौ गुना है ठीक है इसका मतलब हम क्या करेंगे ये जो क्षेत्रफल है लिख देंगे पहले व्रत का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या दिया है यहां पे लिख देंगे दिया है प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि चित्र के हिसाब से क्या प्रश्न निकल के आ रहा है पहले व्रत का क्षेत्रफल बटे दूसरे व्रत का क्षेत्रफल बराबर सौ बटे एक ठीक है अनुपात के प्रश्न को हम लोग इस तरीके से बटे में लिख लेते हैं तो पहले व्रत का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे व्रत का क्षेत्रफल बराबर सौ अनुपात एक इसका मतलब पहले व्रत का क्षेत्रफल बटे दूसरे व्रत का क्षेत्रफल बराबर सौ बटे एक अब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो इसकी हमने त्रिज्या आर वन मानी है तो पाई आर वन स्क्वायर बटे पाई आर टू स्क्वायर बराबर सौ बटे एक अब यहां पर देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर बराबर सौ बटे सौ को हम लिख सकते हैं दस की घात दो बटे एक की घात दो तो यहाँ से देखो निकल के आएगा हमारा आर वन बटे आर टू पूरे की घात दो बराबर दस बटे एक पूरे की घात दो घात से घात कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आर वन बटे आर टू बराबर दस बटे एक अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा था परिधियों का अनुपात ज्ञात करो तो परिधि का सूत्र क्या होता है तो यहाँ पे हम सबको पता है वृत्त की परिधि और परिधि का सूत्र होता है आपको भी याद कराया था हमने कुछ दिन पहले टू पाई आर तो पहले वाले व्रत के लिए टू पाई आर वन होगा दूसरे वाले व्रत के लिए टू पाई आर टू होगा तो दो पाई का ऊपर गुणा कर देंगे दो पाई का नीचे गुणा कर देंगे किसी किसी भी समान संख्या का अगर हम लोग अंश बटे हर में गुणा करते हैं तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो यहाँ पे टू पाई आर वन होगा या हमारा पहले व्रत की परिधि ठीक है लिख देंगे अतः पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि और ये क्या निकल के आई दस बटे एक यानी अगर इनका हम अनुपात लिखें तो अनुपात कितना निकल के आएगा दस अनुपात एक निकल के आएगा यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था आयोग की आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो ये था प्रश्न नंबर छः और अब चलते हैं प्रश्न नंबर सात पर तो बच्चों यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न है एक प्लास्टिक की आयता का सीट छत्तीस सेमी गुणे चौबीस सेमी माप की है इसमें से एक सेमी व्यास के आठ वृत्ताकार का बटन निकाल लिए जाते हैं बची सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये ये है मान लीजिए एक सीट जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है ये है चौबीस सेमी और ये है छत्तीस सेमी ठीक है अब इसमें से हमें क्या निकालनी है बटने निकालनी है छोटी छोटी कितनी निकालनी है आठ तो यहाँ पे हम एक बटन का निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल उसके बाद आठ का उसमें गुणा कर देंगे तो पूरी आठ बटनों का क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक है और इधर हम आयताकार जो प्लास्टिक है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से उसका घटा देंगे तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आयताकार प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई चूंकि आयताकार है तो इसका हम फटाक से गुणा कर दें छत्तीस गुणे चौबीस तो गुणा कर देते हैं चार चंग चौबीस की चार आंसिल लगा दो चारती है बारह और दो चौदह और छत्तीस दूनी बहत्तर चार छः सात और एक आठ आठ सौ चौंसठ आ गया ठीक है तो ये आ गया आठ सौ चौंसठ वर्ग सेमी अभी हमें क्षेत्रफल मिल गया पूरी प्लास्टिक की सीप का अब इसमें से हम बटने निकालेंगे तो एक बटन का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे एक बटन का क्षेत्रफल और वो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमें एक सेमी क्या दिया गया है व्यास दिया गया है इस बात को ध्यान रख तो यहाँ पे जो है एक सेमी व्यास दिया गया है इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी तो ये पाई और आर है एक सेमी का आधा एक बटे दो और इसकी घात दो तो पाई का मान हम रख देंगे बाईस बटे सात गुणे एक बटे ये दो एक बटे दो ठीक है वर्ग है ना तो दो बार होगा ये कट गया ग्यारह दूनी बाईस तो ये आ गया ग्यारह बटे सात दूनी चौदह एक बटन का क्षेत्रफल आ गया है ठीक है वर्ग सेमी अब यहाँ पे कुल बटने कितनी है आठ सौ चौसठ तो हम लिख देंगे आता हवा आठ सौ बटनों का क्षेत्रफल तो जिससे जितनी बटने हमने निकाली हैं उनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ग्यारह बटे चौदह गुणे आठ सौ चौंसठ ये शायद दो से कट जाएगा 274, दो सत्ते चौदह दो चौकों आठ दूती छः दो दूनी चार तो ये चार सौ बत्तीस में कर देंगे ग्यारह का गुणा तो ये चार सौ बत्तीस चार सौ बत्तीस दो तीन दो पाँच चार तीन सात तो ये आ गया चार हज़ार सात सौ बावन बटे सात वर्ग सेमी यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया अभी तक हमने क्या किया इसका प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकाल लिया जितनी बटने हमने हटाई हैं उतने का क्षेत्रफल आ गया अब हमसे पूछा है कि बची सीट का क्षेत्रफल निकाल दो तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो सीधा अब हमें एक लाइन का रह गया है आंसर आ जाएगा अतः बची सीट का क्षेत्रफल तो ये कैसे लिखेंगे ये लिखेंगे ये। कुल प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल तो माइनस आठ बटनों का क्षेत्रफल पूरी सीट में जितनी बटने हमने काटी हैं उनका क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा तो कुल क्षेत्रफल था सीट का आठ वर्ग सेमी अब इसमें से हम इसको देंगे घटा देंगे तो ये जो है चार हजार बटे सात अब इसको अगर हम वैसे देखें थोड़ा सा अगर हम आसानी से इसको हल करने की कोशिश करें तो ये इतनी संख्या ना लिख के ये संख्या जो आई थी आठ में था ग्यारह बटे चौदह तो लिख देंगे आठ सौ चौंसठ गुणे ग्यारह बटे चौदह अब यहाँ से देखो आठ सौ चौंसठ आ जाएगा कॉमन अंदर क्या बचेगा एक माइनस ग्यारह बटे चौदह तो यहाँ से देखो आठ सौ चौंसठ चौदह एक चौदह में से ग्यारह गए गुणे तीन बटे चौदह अब दो से दो ये काट दो सात बार दो से ये काट दो, दो चौको आठ दूती दो छः दो दूनी चार इसमें तीन का कर दो गुड़ा तो तीन दूनी छः तीन तिया नौ चार तिया बारह बारह सौ छियानवे बटे सात सात का इसमें दे दो भाग तो कितना आएगा तो सात एकम सात सात चार ग्यारह सात पाँच बचे उनसठ सात अठे छप्पन तीन छत्तीस हुए सात चौकों सात पंचे पैंतीस एक बचा एक बटे सात ये वर्ग सेमी तो इतना एरिया जो है प्लास्टिक सीट का मेरा बच रहा है आयोग की आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो ये था हमारा प्रश्न नंबर सात और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आठ पर तो बच्चों यहां पर हमारा इस एक्सरसाइज का आठवां और अंतिम प्रश्न ये है कि एक वृत्ताकार थाली का व्यास अट्ठाईस सेमी है उस वृत्ताकार तस्करी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो तो देखो एक हमें वृत्ताकार दी गई है थाली इसका व्यास जो है कितना है अट्ठाईस सेमी है ठीक है इसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा क्षेत्रफल तो हमें एक ऐसी तस्तरी का व्यास बताना है व्यास हमें नहीं पता है इसका जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो इस क्षेत्रफल का आधा हो तो देखो प्रश्न जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से हम लगाना भी इसको शुरू करेंगे सबसे पहले बड़े व्रत का व्यास दिया गया था तो हम लिख देंगे अतः बड़ी वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई और स्क्वायर तो पाई यहां पे दिया गया है व्यास तो यहां से इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी त्रिज्या बराबर अट्ठाईस बटे दो यानी दो का भाग दे देंगे चौदह सेमी ठीक है तो इसकी तिज्जा निकल के आएगी चौदह सेमी तो पाई गुड़े आर यानी चौदह की घात दो पाई का मान बाईस बटे सात गुड़े चौदह गुड़े चौदह सात दूनी चौदह बाईस दूनी चवालीस चवालीस में हम गुणा कर देंगे चौदह का तो चौदह चौको छप्पन की छः आस लगा पाँच चौदह चौको छप्पन और पाँच इकसठ छः सौ सोलह वर्ग सेमी ये आ गया इसका क्षेत्रफल किसका बड़ी वाली तस्तनी का अब कह रहा है कि ऐसी तस्तरी जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो ठीक है तो अतः छोटी तस्तरी का छेट्फल. तो प्रश्न कह रहा है अतः प्रश्नानुसार छोटी तस्तरी का क्षेत्रफल क्या कह रहा है इसका आधा हो यानी 616 बटे दो तो दुती 308 जीरो दो सोलह तीन सौ सो आठ वर्ग सेमी अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि इसका क्या निकालना है व्यास निकालना है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर तीन सौ आठ तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा तीन सौ आठ बटे पाई तो ये तीन सौ आठ बटे में ऊपर जाएगा पाई तो उल्टा हो जाएगा बाईस बटे सात का हो जाएगा सात बटे बाईस ठीक है तो बाईस का इसमें चला जाएगा भाग बाईस एकम बाईस आठ बट आठ बचे बाईस दूनी चवालीस बाईस छिया छाछठ बाईस चौको अठासी ठीक है ये आ गया तो ये कितना आएगा चौदह को लिख सकते हैं सात दूनी चौदह और सात तो ये हमारा आ गया तो ये सात की घात दो गुणे दो तो यहाँ से आर स्क्वायर तो आर बराबर क्या आएगा निकल के आर बराबर सात अंडरवुड दो सेमी ठीक है अब हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है प्रश्न हमसे तेजा नहीं पूछ रहा है व्यास पूछ रहा है ठीक है तो हम यहां पे लिख देंगे अतः व्यास बराबर दो गुणे त्रिज्या तो यहां पे त्रिज्या दो गुणे त्रिज्या कितनी है सात अंडर रूट दो तो ये सात दूनी चौदह अंडर रूट दो सेमी ये क्या निकल के आ गया व्यास निकल के आ गया जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था तो ये ये हमारा आ गया आंसर आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस प्रश्न के साथ साथ इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार